कानपुर घाटमपुर बेकिंग दबंग आरपीएफ चौकी इंचार्ज की गुंडई आई सामने। शराब के नशे में युवक को घर में घुसकर जमकर पीटा। बचाने दौड़ी पत्नी के साथ की छेड़छाड़। पूर्व में भी कई बार वर्दी की हनक में घर में घुसकर दबंग दरोगा पर महिलाओं ने अभद्रता का लगाया आरोप। निकलते बैठते परिवार के लोगों को करता था गाली गलौज। कई बार झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की दे चुका है धमकी। महिला ने पुलिस से लिखित शिकायत में आरपीएफ दरोगा से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। मोहित सिंह उर्फ कमांडो ठाकुर की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। क्या हुआ था आज से 15 दिन पहले ये लड़ाई भई थी कि हमारे घर के अंदर दरोगा अंदर घुस गए थे। इसने विरोध किया तो उसे वो राजन ने हमें बेफालतू मारा। मेरे पिताजी को भी मार रखा थे, उनके मुंह से खून निकल रहा था। तो आज हम घर के अंदर बैठे थे, हमने देख लिया कि हम 2-3 दिन घर से झूठ कहते तुम्हें झूठी है फंसा देंगे। आज हम 2 महीने से बाहर बैठे घर के बाहर रहते रहे, हमें घर से अंदर बुलाया, गाली दिया और दिया मुझे अपशब्द बोलते रहे, हम ऐसा मारा मुझको और क्या आए थे और मुझे झूठी कहते मार मार घर के वहाँ लेंगे चौकी के अंदर। ये आरपीएफ के हैं, कहे तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे, तो ये जरूर फंसाएंगे, कहा थे तो जेल जरूर पहुँचाएंगे, ये बोलते रहे। और इसके साथ ये भी गई तो इसके साथ भी हाथापाई करा है आरती के साथ भी। अच्छा, ऐसा कब से कर रहे हैं ये? करीबन करा है 4 महीना थे। ये यहाँ यही दारू पीते हैं, यहीं पे गाली करो, यहीं कहीं आधा पॉइंट पहन के आएंगे, कहीं कुछ कहीं गया, यही करके आते हैं ये लोग। मना करो तो कहीं कहीं ऊट पटांगे मेरे शब्द बोलते हैं। क्या मतलब है? बस बताते हैं, लड़कीबाजी करते हैं और क्या करते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, घर की औरतों को ताकते हैं और जी क्या, यही करते हैं। आज क्या हुआ? आज बिना पूछे घर के भीतर? आज हम घर के अंदर था, हाँ घर के भीतर घुस गए जबरदस्ती, मुझे बाहर से गाली दिया, हम तो बाहर आऊँगा, बाहर मैं नहीं आऊँगा, मुझे बाप बताइए, बस अंदर आए मुझे घसीट के ले गए। 2-3 सिपाही आए जिनमें राजन था, दरोगा था, कहते मैं जरूर घसीट के ले गया। मैं दरोगा नाम संजीव कुमार नाम है, मुझे ऐसा मारा है, ये मारा है, पीटी में मारा बहुत ज़्यादा मारा मुझे, ये मारा है मुझे और मेरे पिताजी को मारा बहुत ज़्यादा। मारती यादव, क्या मांगा हुआ है यहाँ पे? मेरे आदमी को घर के अंदर से घुस के मारा है, पीटा है और कड़ील के वहाँ पे रेलवे के अंदर ले गए और खुद रोज मारते हैं, रोज आने जाने में रोकते हैं, टोकते हैं। हमारे जेठ साहब जी यहाँ बैठते हैं तो वो लोग दरोगा लोग आते हैं तो कोई बैठा रहता तो उनको भी टोकते हैं कि आज भीड़ मत लगाइए और ज़्यादा बोलिए नहीं किसी से और उधर से ज़्यादा निकलिए नहीं। छोटी बच्ची हमारी जाती है तो उनको भी टोकते रोकते हैं और उसको भी चिढ़ाया करते हैं उल्टा सीधा बोला। आज क्या हुआ जब दरोगा ये अंदर आए? हम अंदर चाय बनाने में लगे हुए थे, बिट्टो की वजह से अंदर घुसते हुए चले आए। क्या वजह नहीं बताई? क्या वजह थी, किस कारण से अंदर आए? जी नहीं, पहले कोई घटना जो बीच में भी 2-3 बार आए गुट्टों के चक्कर में, खिलाने के चक्कर में अंदर आ चुके। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।